स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि चीन की स्पाई शिप है, यानी जासूसी करने वाली एक जहाज होती है, जो रिसर्च के नाम पे, ठीक ना, आया था बांग्लादेश में तेल और गैस की खोज में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जासूसी करने के चक्कर में उड़ीसा का पारादीप जो बंदरगाह है उससे करीब 161 नॉटिकल मील दूर पाया गया है। अब भारत ने इस पर बहुत ही कड़ा ऐतराज़ जताया है और कहा कि जब आए थे बांग्लादेश में तो इधर पारादीप की तरफ क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें समुद्री गहराई कितनी है, समुद्र में लवणता कितनी है, ताकि ये सब आंकड़े डाटा जुटा के वो अपने यहाँ सबमरीन बना सके। सबमरीन क्या होता है? समुद्र के नीचे होता है और समुद्र के ऊपर कोई जहाज होता है तो नीचे सबमरीन होता है, तो नीचे से ही टारपीडो मार के वो बड़े बड़े जो शिप है उसे क्रैश कर सकता है, डुबा सकता है। इसलिए हिंद महासागर में, अरब सागर में या फिर बे ऑफ बंगाल में अक्सर चीन के कई जहाज जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। एक नहीं है, ये जो जासूसी जहाज है इसका नाम है हाई यांग सी यू, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं चीन जो है हिंद महासागर में अपना नेवल विस्तार करना चाहता है, तो वो अक्सर ऐसी हरकत करता है जिससे मतलब भारत चिढ़े और लड़ाई करने पर उतारू हो जाए। और हिंद महासागर ये पूरा जो जिस पे भारत का वर्चस्व है इसके बारे में ढेर सारे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, ठीक ना। इसके पहले भी एक बार हापन टोटा बंदरगाह में चीन की एक जो जहाज़ है, ठीक ना, रिसर्च वेसल है, वो आई हुई थी, लेकिन भारत की कड़ा प्रतिक्रिया जताने पे श्रीलंका वालों ने उसे वापस भेज दिया। तो हिंद महासागर को भी चीन क्या है, लड़ाई का अड्डा बनाया जाता है। चीन अक्सर जासूसी के लिए जाना जाता है। हाल ही में अमेरिका की भी गुब्बारा भेज के, गुब्बारा में सैटेलाइट वैटेलाइट लगा के, सोलर पैनल लगा के अमेरिका की जासूसी कर रहा था। अमेरिका वालों ने सीधे उड़ा दिया मिसाइल से, लेकिन भारत ने कहा है कि उड़ाना नहीं है, उस वाले को पकड़ना है, वैसे गुब्बारे को नीचे उतार लेना है। तो भारत सरकार भी चीन के तरफ से चीन की पूरी हर रणनीति का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है, चाहे उसकी जितनी भी जासूसी जो भी हो उसको वो अरेस्ट भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में, जो कर भारत के जो समुद्री तट का जो आधार रेखा है वहाँ से 200 नॉटिकल मील दूर होता है, तुम उस एरिया में कैसे घुस गए, ठीक ना, उस एरिया में चीन की जासूसी वाला कैसे घुस गया। तुमको होना चाहिए था तो बांग्लादेश का जो EEZ है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, वहाँ तक सीमित रहते। तुम इधर पारादीप में क्या कर रहे थे, अंडमान के तरफ क्या करते हो, ठीक ना। तो ये सब पे का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे एक नया सिंगापुर बना रही है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और ठीक है इसके साथ एक बहुत बड़ा टाउनशिप भी बना रही है। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो 2027-28 तक बन जाएगी। इससे क्या है कि हिंद महासागर में जो चीन की पर्ल पॉलिसी है उसका बहुत कड़ा तरीके से जवाब दिया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।